हे गाइज एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मैन एंड मोटर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा अल्ट्रोस की इंजन नॉइस के बारे में। ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है टाटा अल्ट्रोस के ओनर्स को। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो को पूरी देखना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो जो भी अल्ट्रोस के ओनर हैं वो इस बात को जानते होंगे, उनको पता होगा कि फिफ्थ गियर में गाड़ी जब चलती है तब इंजन की नॉइस कैबिन तक आती है। तो ये एक बिग प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है अल्ट्रोस के ओनर्स के द्वारा। तो गाइस, ये प्रॉब्लम अल्ट्रोस के ओनर्स को फेस करना पड़ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस नॉइस का रीजन क्या है एक्चुअली में। तो गाइस, इंजन में जो एयर फिल्टर होता है और जो ट्यूब जॉइंट होता है वो असली कल्प्रिट है इस इंजन नॉइस का, जो अपने को पैसेंजर सीट्स में आते हैं फिफ्थ गियर पर। तो गाइस, एक्चुअली में होता क्या है, यह आवाज आती है आपकी बोनट से, क्योंकि ये जो जॉइंट है, ये जो ट्यूब जॉइंट है, ये टकराती है बोनट से फिफ्थ गियर पर, क्योंकि हाई स्पीड और राइज ऑफ आरपीएम इसका मेन रीज़न है बोनट से आवाज़ आने का। तो यही रीज़न है कि आपको समटाइम्स रैटलिंग की नॉइस सुनाई देती है कैबिन में। तो गाइज, ये तो हो गया प्रॉब्लम, ये तो फेस किया जा रहा है प्रॉब्लम अल्ट्रोस के ओनर्स को, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेक श्योर ऑल द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ फिल्टर यूनिट आर टाइटली सील्ड। आपको देख लेना है कि फिल्टर यूनिट के जितने भी नट बोल्ट्स हैं सभी एकदम टाइटली सील्ड होने चाहिए, कोई भी ढीला नहीं होना चाहिए। वो रीज़न बन सकता है आपके कैबिन में आवाज़ आने का। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप देख सकते हो वो है मेटल बेल्ट्स जो होते हैं इंजन में, उसको आप एक हद तक टाइट करो। अगर वो लूज़ है तो वो क्या है, एक प्लास्टिक का टिकिंग साउंड आपको प्रोड्यूस करके देगा, जो कि थोड़ा इरिटेटिंग साउंड होता है। और वो भी आपको साउंड अगर सुनने को मिल रहा है तो गाइस, ये रीज़न है आपका मेटल बेल्ट का। तो नट बोल्ट तो आप टाइट कर लोगे, लेकिन इसको भी आपको देखना पड़ेगा, मेटल बेल्ट जो होती है उसको भी अच्छे से टाइट करो, क्योंकि वो ढीले में आपकी प्लास्टिक आवाज़ करती है, टिकिंग की साउंड करती है। तो गाइस, ये है माइनर सजेशंस कि आप कैसे अपने रैटलिंग की जो नॉइज़ आती है इंजन से उसको आप सुधार सकते हैं। लेकिन जो मेन एक्चुअल सॉल्यूशन है वो है, आप इस पिक में देख सकते हो कि एक फोम की सीट को दोनों के बीच में रखा गया है, बोनट और कपलिंग के बीच में देख सकते हो एक फोम की सीट को रखी गई है। यही है आपकी मेन सॉल्यूशन। आप इसे अगर लगा दिए तो गाइस आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो टकराव पैदा होता है, जो इम्पैक्ट पैदा होता है, वही है आपकी मेन नॉइज़ की रीज़न। तो गाइज, इसमें आपको करना क्या है, देखो, सो यू शुड प्लेस अ फोम सीट, अ मीडियम थिकनेस, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बिटवीन कपलिंग एंड बोनट। इट शुड बी एज टाइट एज पॉसिबल, बट डू नॉट बैंड द जॉइंट टू मच, इट कैन ब्रेक द यूनिट। आइडली यू शुड अप्लाई मिनिमम प्रेशर टू प्लेस इट बिटवीन बोनट एंड जॉइंट, सो डोंट फोर्सली इंसर्ट इट, प्लेस इट स्लोली इंच बाय इंच। आराम से करना है अपने को, और एक छोटी सी फोम की सीट को लेके अपने को जॉइंट के नीचे लगा देना है, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो। तो गाइस, इससे क्या होगा, फोम की जो सीट है वो स्लिप नहीं होगी, एंड आई थिंक यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर एटलीस्ट एन ईयर। ऑल्दो यू कैन चेक मंथली एंड इफ नेसेसरी एडजस्ट द सीट, आप उसे निकाल सकते हो उस सीट को, फोम की सीट को। तो गाइस, मुझे लगता है कि ये जो सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एटलीस्ट आपकी एक साल चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। और आपको मंथली ये चेक भी करना है कि सीट जो फोम की आप लगाए हैं वो अच्छे से एडजस्ट है कि नहीं। तो गाइज, ये जुगाड़ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है आपकी नॉइज़ आने का। तो गाइज, ये अगर आप कर लिए तो आपको कोई भी रैटलिंग की नॉइज़ इंजन से नहीं आएगी फिफ्थ गियर पर, एंड यू विल गेट द वेरी स्मूथ राइड आफ्टर दिस फिक्स। तो दोस्तों, एक लास्ट सजेशन और ले लो, फोम की सीट डालने से अच्छा तुम क्या करो, सिलिकॉन बेस्ड रबर की जो सीट्स होती हैं वो यूज़ करो, क्योंकि सिलिकॉन की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है एज कम्पेयर टू फोम। तो सिलिकॉन की जो सीट है वो ज़्यादा दिन तक टिके रहेगी। पर दोस्तों, ये तो हो गया जुगाड़ की बात, लेकिन क्या आप 7 लाख की गाड़ी लेकर ऐसी जुगाड़ लगाना चाहेंगे? नहीं ना।
इसको लेकर टाटा को कुछ करना चाहिए। टाटा मस्ट डू समथिंग टू एड्रेस दिस इशू फॉर अ परमानेंट फिक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ।